भाई अब जब से मैंने मेरी YouTube लाइफ स्टार्ट की थी तब से मेरा एक छोटा सा सपना था कि मेरे पास एक अच्छा माइक्रोफोन हो जो अच्छा ऑडियो कैप्चर कर सके। ऑल्दो जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे पास जो फोन था इट डिडंट यूज टू सपोर्ट एन एक्सटर्नल माइक, लेकिन मैंने जुगाड़ कर करके ओपन कैमरा करके एक एप्लीकेशन था तो वो बहुत सारा जुगाड़ किया था। बट मेरे में इतनी ताकत नहीं थी, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, इतनी हिम्मत नहीं थी कि मॉम डैड को मैं बोल सकूं कि मुझे रोड का माइक चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली इतना एक्सपेंसिव माइक था। एंड जिद नहीं की, कुछ नहीं किया कि मुझे रोड का माइक दिला दो। अच्छा खासा लाइव माइक से काम चलाया एक डेढ़ साल, बट मैंने डिसाइड ज़रूर किया था कि एक दिन खुद के पैसों से रोड का माइक लूँगा मैं। एंड फाइनली टुडे इज दैट डे। मैंने मेरा जो सबसे पहला व्लॉग था वो बनाया था 2017 में और माइक्स का दीवाना मैं तब से हूँ। डोंट बिलीव, खुद देख लो। मेरा सबसे पहला व्लॉग है यूट्यूब पे, तो कभी ब्रीफली बताया नहीं है कि ऐसे माइक, मतलब बताया वीडियो में लेकिन बॉक्स बॉक्स के साथ कभी बताया नहीं है, तो ये फर्स्ट टाइम मैं बता रहा हूँ। तो अभी इसको खोलते हैं अपन, एकदम संभाल के रखता हूँ क्योंकि भाई पहला माइक है मेरा ये। अभी तक आज तक कभी मैंने माइक वो नहीं किया, यूज नहीं किया, ये फर्स्ट माइक है। इसको भी एक्चुअल फर्क खबर पता चल रहा है, इसको भी मैं जस्ट एडजस्ट कर दूंगा तो मज़ा आएगी। और मुझे पुरानी चीज़ें संभालने की आदत है, दैट इज़ वाई मैंने वो जो मेरा माइक था जो आपने अभी अभी देखा अब तक संभाल के रखा है, जस्ट बिकॉज रिमाइंड मी कि फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड। सो हियर इज़ द माइक, ऑल्दो ये अभी चलता नहीं है बट यादगिरी के लिए मैंने रखा है इसको। मेरे डैड ने बहुत बार बोला है कि फेंक दे बट मन नहीं करता यार, क्योंकि दिस वॉज द वेरी फर्स्ट माइक दैट आई बॉट, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेम रीजन दैट आई बॉट द रोड वीडियो माइक। सो नाउ फास्ट फॉरवर्डिंग टू 2018, एज आई सेड इन द बिगिनिंग, ये जो रोड कंपनी का जो माइक था ये मैंने काफ़ी व्लॉगर्स के हाथ, प्राइमरीली मैंने फर्स्ट टाइम ये जो माइक था वो इरफान जुनेजू के पास देखा था इन दिस वीडियो। तो ये मैंने पूरा वीडियो देखा और मैं ऑस्ट्रक हो गया कि मतलब भाई मैं फ़ैन बन गया है माइक का, क्योंकि ही ऑल्सो ट्राइड एंड टेस्टेड द माइक, ही शोड ऑडियो कैसी है क्या है इन, और मैं तो भाई एकदम मतलब मैं बैम्बूजल हो गया, मतलब एकदम मेरा मुँह ऐसा खुला रहेगा बिकॉज ऑडियो उतना क्रेजी था। ऑल्दो फिर मैंने प्राइस चेक किया, सब कुछ चेक किया, एंड आई केम टू नो कि ये भाई ये माइक का प्राइस अपनी औकात से बाहर है। भाई अभी वो जो माइक का इतना महंगा प्राइस देख के आई फाइनली डिसाइडेड कि भाई अभी छोड़ो, अभी तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो टाइम पे मैंने जस्ट स्टार्ट किया था 2018 समर वेकेशन में, वन प्लस के फ़ोन से व्लॉग्स बना रहा था तो उसका जो ऑडियो था ठीक ठाक था, आई वॉज लाइक लेट्स कंटिन्यू विद दिस। तो मैंने दो साल उससे ठीक ठाक व्लॉग्स बना लिए, एंड देन आई स्विच्ड अ कपल ऑफ फोन्स, सब कुछ किया, ट्राई किया, एंड देन फाइनली इन अक्टूबर 2020 जब मेरी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम और बोर्ड एग्जाम्स जब दोनों ख़त्म हो गए तब आई फाइनली डिसाइडेड कि अभी चैनल को एक अलग लेवल पर लेके जाने का टाइम आ गया है, अभी टाइम आ गया है ऑडियो को अपग्रेड करने का, एंड देन आई डिसाइडेड टू डू दिस। तो भाई फिर अब मैंने जैसे तैसे करके बोया का एक लाइव माइक ले लिया, बोया BY-M1 एज यू सो, और मेरा अनफॉर्चुनेटली बजट वो टाइम कम था, और दो माई मॉम एंड माई ब्रदर वर टेलिंग मी कि तू दूसरा कोई माइक ले ले, बट मेरे दिमाग में कुछ और खुराफती प्लान चल रहा था। मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि भाई अब से हम व्लॉग्स के लिए दो डिवाइसेस, एक डिवाइस मैं यूज़ करूँगा टू रिकॉर्ड द ऑडियो और दूसरा डिवाइस मैं यूज़ करूँगा टू रिकॉर्ड द वीडियो। अब मेरे पास मेरा तो फ़ोन था ही, बहुत बड़ा फ़ोन था, इट वॉज लाइक वेरी हेक्टिक टू शूट वीडियोज विद इट। तो मैंने क्या किया कि मेरे भाई का फ़ोन आई टुक इट, क्या किया भाई मैंने सोचा कि चलो अभी ऑडियो को तो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना ही है, तो व्हाट अदर व्लॉगर्स यूज टू डू जो आईफोन से व्लॉग बनाते थे कि उनके आईफोन में तो एक्सटर्नल माइक सपोर्ट होता था, तो दे जस्ट डायरेक्टली यूज टू प्लग इन द माइक लाइक आई हैव डन राइट नाउ, क्योंकि मेरा भी फ़ोन अब एक्सटर्नल माइक सपोर्ट करता है, तो वो लोग के लिए ईजी था। बट मेरे लिए भाई इतना दिमाग ख़राब होता था मेरा, बिकॉज मैं क्या करता था कि मैं ऑडियो रिकॉर्ड करता था एक फ़ोन से, साइमल्टेनियसली वीडियो दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड करता था, एंड देन आई यूज टू सिंक ऑल ऑफ दैट इन एडिटिंग, और
एक व्लॉगर ही समझ सकता है जिसने एक्सपेरिमेंट किया है कि क्या दिमाग की लेफ्ट राइट सेंटर हो जाती है इसमें। फिर भी भाई जैसे तैसे करके मैंने मेरा जो बोया का जो माइक था BY-M1 जो मैंने नया नया ऑर्डर किया था, और वो टाइम पे मुझे वो माइक की वैल्यू बहुत थी भाई, क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट गुड माइक जो मुझे लगा कि भाई ऑडियो अच्छा है। तो व्हाट आई डिड वाज कि 6 महीने वीडियोस बनाए, फिर मैं जब यहाँ पर शिफ्ट हुआ, ये घर पे मैं जब शिफ्ट हुआ तब एक खुराफती प्लान एक और आया। घर शिफ्टिंग करने के टाइम मेरे पास ये जो माउंट, ये कुछ तो प्लास्टिक का माउंट था, दिस इज नॉट अ माइक माउंट, ये कुछ तो और ही था। तो मेरे जो व्लॉग्स एक साल से फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को पता होगा, अथर्व को पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मैं क्या करके आई हैड मेड अ सेटअप। तो ये देखो भाई, ये है मेरा GoPro का पाउच है, इसमें मैं सब माउंट वाउंट रखता हूँ। तो देखो भाई, दिस इज़ द बोया BY-M1। अब ये माइक स्टिल वर्क्स परफेक्टली। मैं क्या करता था, ऑल्दो आप लोगों को मेजोरिटी लोगों को पता होगा, बट मैं ये पूरा इस पर मैंने माउंट किया था एंड ये माउंट करके देन उसके ऊपर मैंने माइक लगाया था। तो भाई मतलब ये जो मेरा माइंड फ्रस्ट्रेट होता था जब भी मैं कभी बाहर जाते रूम के अंदर, घर के अंदर तो चलता है भाई कि वीडियोज़ बना रहे सब हो रहा है घर के अंदर, इट्स ईजी टू नॉट राइट नाउ, बट पहले ईजी था, अभी तो मैं सब लाइट वाइट लगा के बैठता हूँ। तो पहले तो क्या था कि मतलब जब मे का टाइम था सब था, तो वो टाइम पे तो मैं ऐसे ही बैठ के वीडियो बनाता था, तो वो टाइम पे ईजी था। बट जब मैं बाहर जाता था तो ये जो वायर जब निकलता था और जब लोग मुझे रस्ते पे देखते थे कि ये क्या वायर लेके घूम रहा है, मेरे दोस्त भी खुद बोलते थे कि भाई ये क्या है, इन्वेस्ट इन अ गुड माइक। तो मैं बोलता था, मैं अपने मन ही मन में बोलता था कि भाई जो मुझे लेना है उतनी मेरी औकात नहीं है अभी। तो भाई आई वॉज मेकिंग वीडियोज, आई वॉज डूइंग एवरीथिंग, एंड रिसेंटली मैं एक छोटी सी ट्रिप पे गया था, अगर आपको पता हो गढ़ड़ा सारंगपुर ये सारे टेम्पल्स, और ये देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मैंने मेरे व्लॉग्स में शेयर नहीं किए। द फर्स्ट थिंग वॉज ये जो बोया का जो माइक था, इसने इतनी बैंड बजाई है मेरी, क्योंकि जब मैं गढ़ड़ा में व्लॉग बना रहा था, जब मैं ये सेटअप यूज़ करता था टू मेक वीडियोज़ इन दैट गढ़ड़ा मंदिर, जब मैं था उधर, तब भाई बुरा कांड क्या हो गया मालूम है, दिस बोया माइक स्टॉप्ड रिकॉर्डिंग, ऑडियो ही नहीं ले रहा था। एंड मैंने पूरा दिन लगा दिया फिगर आउट करने में कि क्या प्रॉब्लम है कि ये ऑडियो नहीं ले रहा है। फाइनली सिंस आई वॉज ट्रैवलिंग, मैंने बोला भाई छोड़ो अभी, ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देते, लेट्स व्लॉग विदाउट द माइक। तो आपने नोटिस किया होगा मैंने पूरी ट्रिप जो थी ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा मैंने पूरा विदाउट माइक निकाला था। एंड अगर फिर मैंने फिर टू माई सरप्राइज मुझे मालूम पड़ा ये बोया जो है इसमें एक ऐसा छोटा सा कुछ स्विच जैसा आता है, तो ये कैमरा पे हो गया था गलती से, आई डोंट नो बैग में जब रखा होगा रखते निकालते टाइम हो गया होगा। सिंस दिस वॉज स्विच ऑन कैमरा पूरा माइक उड़ गया भाई। और भाई फाइनली वो टाइम पे मैंने सोच लिया था कि अब बहुत हुआ, अब बहुत सह लिया, अब सीधा चुपचाप माइक नया माइक लेंगे। अभी 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 बस ये माइक से बहुत हो गया, रिश्ता नाता सब तोड़ दिया, क्योंकि मैं तो ये माइक से बहुत प्यार करता था, आई लव द माइक, बट और लाइव माइक से वीडियोस बना रहा था, बट इसने जो हिसाब से मेरी मारी दी ना भाई, मैंने बोला भाई अब बहुत हो गया, अब अपन जब GoPro लेंगे, क्योंकि GoPro का तो प्लान ऑलरेडी बन गया था मेरा, GoPro लूँगा तो अब साइकिलिंग के टाइम ही यूज़ करूँगा, इसके बिना ये माइक को यूज़ करूँगा नहीं। मैंने मेरी रिसर्च चालू की सब किया, Amazon एक दिन स्क्रोल कर रहा था और मैंने ये रोड वीडियो माइक जिससे अभी आप ऑडियो सुन रहे हो ये मैंने माइक देखा Amazon पे। भाई अब ये जो माइक था इट वॉज लाइक वेरी एक्सपेंसिव, ऐसा नहीं कि मेरे पास बजट नहीं था, मेरे पास बजट तो काफ़ी था, बट फिर यार मैंने वही सोचा कि अगर इतना महंगा माइक मैं ले लेता हूँ फिर मैं डैड को कैसे मनाऊंगा। ऑल्दो मेरा इनिशियल प्लान ये था कि माइक ले लेता हूँ, फिर मम्मी को मैंने बोला था कि मम्मी तू कैसे कैसे करके डैड को बोल देना कि मैंने माइक ले लिया है, तो मम्मी ने बोला कि ऐसा कुछ मत कर, प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे डैड भड़क जाते। वन फाइन डे मेरी मम्मी ने डैड को फाइनली मना लिया कि इसको माइक चाहिए, उसके खुद के पैसे उसे ले रहा है तो लेने दो, एंड माई डैड वॉज लाइक, देन फाइनली मेरे डैड ने अलाउ कर, ऑल्दो मैंने ये नो कॉस्ट पे लिया है। तो भाई अब अगर इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट कर ही दिया है तो पुराने माइक से कंपेयर करना भी बनता है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी में जाके कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि गाड़ी का कैबिन इज़ द बेस्ट अमंगस्ट एनीथिंग, तो वहाँ पे ऑडियो ज़्यादा अच्छा आपको पता चलेगा। ऑल्दो मैं थोड़ा एक्सटीरियर बाहर जाके भी थोड़ा टेस्ट करूँगा, बट गाड़ी के अंदर सबसे पहले जाके अपन देखेंगे कि ऑडियो में डिफरेंस क्या है। तो मैं मेरा बोया का जो पुराना माइक था वो पहले कनेक्ट करूँगा, फिर आपको सुनाऊंगा, क्योंकि ये जो पूरा व्लॉग है ये पूरा व्लॉग अभी मेरे नए माइक पर रिकॉर्ड हुआ है, बट इससे पहले जितने भी व्लॉग्स थे सारे व्लॉग 2020 अक्टूबर 2020 वो मेरे सारे उधर से लेके अब तक सारे व्लॉग्स बोया पे रिकॉर्ड हुए हैं। तो अभी गाड़ी में जाके साउंड टेस्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, सो द मोमेंट ऑफ ट्रुथ इज हियर, तो मैं कांच वाच सब बंद कर देता हूँ गाड़ी का।
ओके तो ये जो ऑडियो आप लोग सुन रहे हो, दिस ऑडियो इज फ्रॉम द बोया BY-M1। ये जो बोया का जो मेरा लाइव माइक था उससे मैं ये जो भी पूरा ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है अभी ये मेरे पुराने वायर वाले लाइव माइक से हो रहा है। तो साउंड टेस्ट 1, 2, 3, 4, 5 ये पूरा ऑडियो हो रहा है बोया BY-M1 माइक से, और ये ऑडियो जो है ये रिकॉर्ड हो रहा है फ्रॉम माई रोड वीडियो माइक। तो अभी आपको अगर आपने ईयरफोन्स पहने होंगे तो आपको ऑडियो डिफरेंस पक्का पक्का समझ में आ गया होगा। तो अभी मैं हाथ में इसलिए पकड़ रहा हूँ क्योंकि माइक की हाइट थोड़ी ज़्यादा है, तो ये गाड़ी का जो मेरा ये जो पार्ट है इसके ऊपर आ नहीं रहा है ये, तो मैंने इसके ऊपर रखा था पहले। बट या सो दिस ऑडियो इज़ फ्रॉम माय रोड वीडियो माइक। अब मैं अगर थोड़ा बाहर निकल के आपको ऑडियो टेस्ट कराऊँ तो दिस इज ऑल राइट गाइस। तो अभी ये जो है ये रिकॉर्ड हो रहा है यूजिंग द बोया BY-M1 माइक। सेटअप काफ़ी हल्का हो गया है मेरा, बट अभी आपको ऑडियो डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्योंकि अभी कैसा है कि ये बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा लेता है एंड कंपेयर टू द रोड माइक तो भाई बिल्कुल भी अभी बैकग्राउंड नॉइज़ लेता नहीं है। इसमें आपको मेरा आवाज़ बहुत ज़्यादा हाई सुनाई दे रहा होगा एंड आपको ऐसा लग रहा होगा क्रिस्प है, बट क्रिस्प नहीं है बिकॉज़ ये देखो ये जितना भी बैकग्राउंड नॉइज़ ले रहा है ये मेरा रोड माइक इतना बैकग्राउंड नहीं लेता। ऑब्वियसली इस पर कंपैरिजन नहीं है, बट मैं मेरे सेटअप का कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो ये मत समझना कि मतलब मैं 1000 रुपये के माइक को 10,000 के माइक से कंपेयर कर रहा हूँ, वरना उससे भी ट्विटर पे फिर आ जाएंगे टैग करने। बट गाइस सो दिस ऑडियो इज़ फ्रॉम माई रोड वीडियो माइक। तो अभी आपको सेटअप का मतलब ऑडियो का डिफरेंस अभी समझ में आ गया होगा, और अभी मेरा सेटअप काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गया है ऑब्वियस ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस। ये माइक की हाइट थोड़ी ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा सेटअप हैवी लगता है। बट ये जो माइक है ये बैकग्राउंड नॉइज़ इतना ज़्यादा कैप्चर नहीं करता जितना वो बोया का माइक करता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, बट मेरा जो पुराना सेटअप था उसको पुराने सेटअप से नए सेटअप को मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि भाई ऐसा था और ऐसा भी हो गया है। ऑलराइट गाइस सो दिस वाज इट फॉर द व्लॉग। मुझे पता है ये व्लॉग में मैंने थोड़ा खींच लिया, मतलब मुझे पता है थोड़ा लंबा बन गया, बट दिस वाज व्हाट एवर इट वाज। मुझे सब कुछ एक व्लॉग में कवर कर लेना था, तो दैट इज़ द रीज़न कि मैंने मतलब पूरा एक साथ पूरा व्लॉग बना दिया। तो अब से जो भी मेरे व्लॉग्स आएंगे ये सारे व्लॉग्स ऑब्वियसली अभी रोड वाले माइक से ही होंगे एज आई सेड। एंड अ बिग 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 शाउट आउट टू अथर्व खत्री, क्योंकि अथर्व ने ये जो थंबनेल है जो वीडियो का वो अथर्व ने बनाया है, बहुत क्रेजी डिज़ाइन की है। मैंने उसको 10 बार बोला कि भाई 10 चीज़ें चेंज करो, और उसने सीमलेसली 10 चीज़ें मतलब बहुत सारी चीज़ें थी चेंजेस के लिए, तो वो एक रेडी करके भेजा था, तो उसको बोला भाई ये थोड़ा चेंज करिए कर, तो भाई ने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है थंबनेल बनाने के लिए। तो अथर्व का इंस्टाग्राम का जो पेज है ही डज फोटोग्राफी एंड एवरीथिंग, तो वो मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और इधर फोटो भी आ गया होगा। एंड ही ऑल्सो मेक्स व्लॉग्स, तो उसकी चैनल भी चेकआउट कर लेना। होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग दिस व्लॉग। मुझे लग रहा है भाई ये बहुत लंबा बन गया है, बट मुझे काफ़ी सारी चीज़ें काटनी पड़ेगी ये व्लॉग में। एनीवेज सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। अभी दिवाली वेकेशन के लिए मैं रुक नहीं सकता ये पूरे सेटअप से वीडियो बनाने के लिए। सी यू in the next vlog.